कोशिश का शिकाए बड़ा भाइयों ने कम नहीं की थी खता, खुश दिली से इनको भी बकोशी कदा। जुल्म क्या क्या कुछ न हजरत पर हुआ, किस कदर बर पाऊए जो रोज पाऊ। कैसी बेरहे नीचे पेशाए सभी, कैसी कैसी जुल्म की डाली कड़ी। किस कदर का तो में खींचा आपको, और कुएं में हृदय फेंका आपको। आपने सब कुछ किया इनको माफ, और दिल से हो गए बिल्कुल साफ। होती है पैगंबरों की ये सफात, क्या सुनाए मोमिनों मोमिना। आए मेरे नूरे नजर लख तेजिगर, साजो सामा तेरा इतना इस कदर। कागजों का किस कदर अंबार है, वाकई तू एक बड़ी सरकार है। इस कदर दफो करके दफ्तर बेशुमार, क्या न थे क्या ये थे सारे मुस्तार। है यूसुफ मुझसे इतना बकुल था, एक पुर्जा खत मेरा दो भर हुआ। लिखने वाले सैकड़ों तेरे गुलाम, लिख नहीं सकते थे क्या तेरा सलाम। मुझको लिख कर भेज देता अपना हाल, कागजों पर पढ़ न जाता तेरी काल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये गहरी शिकायत सुनकर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आबदीदा हुए, और उसी वक्त अपनी पेशी के खादिमों को इशारा किया कि फलां संदूक को मेरे पास ले आओ। चुनांचे उसी वक्त मुतअद्दिद संदूक चे लाए गए, और फिर उन संदूकों में से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजारों खुतूत हजरत वालिद माजिद के सामने डाल दिए, और फिर जारो कतार रोते हुए ये कहना शुरू किया कि इस कदर लिखे हैं खत मैंने जनाब, जिनकी गिनती है न है हद्दो हिसाब। और इनमें सब हालात हैं लिखे हुए, हर घड़ी हर एक पल हर रोज के। इस कदर लिखे हरी जे बेशुमार, लीजिए हाजिर हैं ये आली तबार। हाँ मगर मुझसे ये अलबत्ता हुआ, भेजने से इनके मैं कासिर रहा। खत रवाना कर नहीं सकता था मैं, हुक्म माबूदी से बस डरता था मैं। वजह इसकी
लीजिए सुनिए जरा, खत उधर मैं लिख के बस फारिग हुआ। और इधर बस आए जिब्राइल अमीन, लाए वो फरमान रब्बुल आलमी। मसलहत मेरी नहीं है यूसुफा, देखो मैंने तुमको पोसीदा किया। अपने बस में नहीं ऐसा किया, ऐ पिदर मुझ को ये था हुकुम खुदा। हुक्म माबूदी से मैं मजबूर था, वरना कनआ मिस्र से क्या दूर था। आप खुद आँखों से मैं आता वहाँ, और फिर हजरत को ले आता यहाँ। हो रहा था हर तरफ तैयार मैं, हुक्म माबूदी से रहा लाचार में। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र में तशरीफ लाए हुए कई साल गुजर गए, जहां रात दिन आठों पहर 64 घड़ी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाना में याद इलाही करते हैं। और एक रोज ख्वाब में आपने क्या देखा कि आपके वालिद माजिद हजरत इसहाक नबी अल्लाह और आप के जद्दो अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि याकूब हमसे मिलने को दिल नहीं चाहता। चुनांचे आपकी आँख खुल गई और उठ बैठे, और फिर सुबह को अपने नूर ऐन यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर ख्वाब का जिक्र किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर देने में खास कमाल रखते थे, समझ गए कि विशाल याकूबी करीब आ गया है, मगर कोई ताबीर नहीं बताई। खामोश रहे गु दिल में, हजरत यूसुफ को बेहद सदमा हुआ, और इंतकाल याकूबी का ख्वाब सुनकर रोते हुए वहाँ से खड़े हो गए। और इसके कितने ही रोज के बाद एक दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पर यकायक इजराइल यानी मलकन मौत आन पुकारे, जिनकी आवाज से हजरत याकूब समझ गए कि बस मौत का मालिक फरिश्ता आ गया, वक्त अपना दोस्त तो आखिर हुआ। वक्त है आखिर ये सभी के लिए, दो हजारों साल तक कोई। और मान यूसुफ को बुलवाया वहीं, और फरमाया कलामे आखिरी। यूसुफ अल्लाह को सौंपा तुझे, तुझसे मौला दो जामे खुश रहे। तुझको मौला ने अता की बरतरी, मिल चुका है खिलाते पैगंबरी। जान सी मैंने तुझे अपना किया, और नबुवत का मकाम तुझको दिया। है ये पस्ती वरासत यूसुफा, इसके हक में हर तरह की जो अदा।
हम कुंतुम सदाइज हजरा याकूब अल मौत इज काल ले बनी माता बुदून मिन बादि कालु बादु इलाह कवैलाह अबाई का इब्राहीम वैस्माइल वैसहाका वैलाह वाहेदं यानी ए हाजरीन, क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जबकि याकूब के सामने मौत आ खड़ी हुई और आठों ने अपने तमाम फर्जंदों को बुलाकर पूछा कि ऐ मेरे, और उन्होंने अपने तमाम फर्जंदों को बुलाकर पूछा कि ऐ मेरे बच्चों, ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसे पूजोगे और किसकी इबादत करोगे। जिस पर औलाद याकूबी ने जवाब दिया कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के माबूद खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे और हम उसी के फरमाबरदार होंगे। जिनके जवाब में हजरत याकूब ने नहायत खुश होकर फरमाया कि शाबाश है मेरे फरजंदो, देखो तुम इसी एतकाद पर जीना और इसी एतकाद पर मरना, मरना जीना हो सब उसके वास्ते, पर ये इंसान अदा करता रहे हो फकत पूजा उसी के वास्ते, और डर हो तो फकत मौला का डर हो, फकत पूजा उसी की ये बसर, और डर हो तो फकत मौला का डर, जिसने भेजा है उसी के वास्ते, आदमी अल्लाह से डरता रहे। आए मरना भी हमको है जरूर, सबको बस जाना है मौला के हुजूर। जीने वालों मौत जिसका नाम है, वो तुम्हारा आखिरी एक काम है। कोई पैगंबर हो या हो बादशाह, आखरस चलनी है सबको एक राह। जिंदगी है आरजी है ऐ पिता, कुछ न सोचा तूने है मैमांसरा। है बका मौला फकत तेरे लिए, और फना है मौत है सब के लिए। जीने वाले तू है मरने के लिए, मरने वाले क्या अमल तूने किए। जिंदगी है पेशे खीमा मौत का, है हयात एक आरे जिया खिरपना, और बेकसी उस वक्त की देखे कोई। आहाय मैयत ये खामोशी तेरी, साढ़े तेरा सौ बरस के नूह थे,
आकरस वो भी आदम को जल बसे। जिंदगी है दायमी बेशक महा, जिसका ताबी नहीं वे मोगुमा। मेरे प्यारे यूसुफ लख ते जिगर, संग दिल मुझसे हो क्यों इस कदर। अय मेरी आंखों की ठंडक नूर है, मुझ बगैर क्यों कर आया तुझ कुछ। सरजमीन मिस्र ऐसी भाग गई, याद तक भी तूने मेरी छोड़ दी। आए मेरे प्यारे मेरे नूरे नजर, मेरे मिलने से है क्यों इतना अजर। मिस्र क्याया से भी बढ़कर हो गया, तूने देखी नहीं आगी फिजा। मेरी फुरकत इस कदर भाई तुझे, याद भी मेरी नहीं आई तुझे। बाप से मिलने को जी चाहा नहीं, आ कहें आए मिस्र के कुर्सी नसी। मैं तेरा इस त्याग हूँ ए मेरी जान, मुंतजिर हूँ मैं यहाँ। और दिल मेरा तेरे लिए बेचैन है, काश ऐसा हो कि अब तू आ मिले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए और उसी वक्त आपने तमाम खानदान को बुलवाया। और जमा कर लिया और अपने परवरदिगार के हुजूर में दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए और अर्ज किया कि रब्बे कद आह यूसुफ हो गए हक की रजा, जिन पे जारी हो गया हुकुम खुदा। मौत ने उनको भी बस छोड़ा नहीं, उनको भी पहुंचा दिया जेरे जमी। बादशाहे मिस्र थे और थे नबी, मौत ने उसकी भी कुछ परवाह न की। और ले गई उनको भी आंसे तोड़ कर, वो भी रुखसत हो गए मुंह मोड़ कर। साहब तक लीम को फिर है पना, माँ से वाल्लाह के कैसी बका। आखिरी घर है ये सबके वास्ते, आदमी को चाहिए डरता रहे। कब्र का एक रोज भरना है जरूर, एक दिन तुरबत में रहना है जरूर। जिंदगी में याद रखें वो मकान, बख्श दे शायद के रब्बे दो जान। जालिक मिन अबाए गई बे तौहीदे।
नहीं का। बंद कर।